सेवन रीजंस व्हाई पीपल फेल इन लाइफ, किन सात वजहों के कारण लोग अपनी जिंदगी में फेल होते चले जाते हैं, किन सात वजहों के कारण लोग अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी भी अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सेवन रीजन शेयर करने वाला हूँ जिनकी वजह से लोग अपनी लाइफ में फेलियर्स को पाते हैं ना कि सक्सेस को। सो द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से फेलियर आपकी लाइफ में आता है, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। जब आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, जब आपकी लाइफ में कोई एम आपने डिसाइड नहीं किया होता, आपकी लाइफ में कोई पैशन नहीं होता, कोई डेस्टिनेशन नहीं पता होती कि आपको किस तरफ जाना है, आपको अपनी लाइफ में हासिल करना क्या है, तो एक ऐसा इंसान जिसको यही नहीं पता होता कि उसको जाना कहाँ है, तो वो जाएगा कहाँ? कहीं भी नहीं। तो मतलब आपको सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके फेलियर का कि आपके पास एक पर्पस ही नहीं है, आपके पास एक एम ही नहीं है, आपके पास एक गोल ही नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ। द सेकंड रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ, लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एक एम होता है, उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या अचीव करना है, बट वो उससे रिलेटेड कभी भी नॉलेज लेना पसंद नहीं करते, उससे रिलेटेड कभी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, उससे रिलेटेड कभी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते। तो उनकी लाइफ में उससे रिलेटेड कभी नॉलेज भी नहीं आती, और जब नॉलेज भी नहीं आती तो सक्सेस भी नहीं आती, बिकॉज नॉलेज इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। अगर आपके पास एम है और उस एम से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो आपके पास सक्सेस नहीं होगी, आपके पास सिर्फ एम होगा। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपके पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ नॉलेज इज द सेकंड रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ। द थर्ड रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन नहीं लेके आया, एक ऐसा इंसान जो चीजों को ठीक से फॉलो नहीं करता, उसका सुबह का उठने का टाइम सही नहीं है, उसको रात को सोने का टाइम सही नहीं है, वो अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं करता, अपने कमिटमेंट्स को पूरे नहीं करता, अपनी जिंदगी में राइट चॉइसेस नहीं ले सकता, मतलब वो इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकता। और एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो द थर्ड रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ इज लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। द फोर्थ रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ, प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत सारे लोग कल पे काम को टाल देते हैं कि इस काम को कल करेंगे, इस काम को परसों करेंगे, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मेरा मूड नहीं कर रहा। अगर आप हमेशा अपने मन को सुनते चले जाएंगे तो लाइफ में कभी भी आप सक्सेस को पा नहीं सकते। जो इंसान सिर्फ अपने मन के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो इंसान कभी भी सक्सेस को नहीं पा पाएगा। हमें अपने मन के साथ फाइट करनी होती है, अपने बोरिंगनेस के साथ, अपने बैड हैबिट्स के साथ फाइट करनी होती है, बैड एसोसिएशंस के साथ फाइट करनी होती है, इस प्रोक्रास्टिनेशन नेचर से बाहर आना होता है, जब भी हमारी लाइफ में सक्सेस हासिल हो सकती है, जब भी हमारी लाइफ में एक अबेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज द फोर्थ रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ, बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट पीपल फेल इन लाइफ। द फिफ्थ रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ इज फियर ऑफ फेलियर। ऐसे इंसान जिसको हमेशा डर लगता रहेगा, यार ये मैं स्टेप लूं या ना लूं, मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, अगर आपको लगता है, आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को सक्सेस के चांस हैं, यहाँ पे मुझे सक्सेस मिल सकती है, और ये करके दुनिया में किसी और ने भी सक्सेस को हासिल किया है, तो लो ना रिस्क, लो ना स्टेप्स, लो ना इनिशिएटिव। किसने मना किया, किसने रोका है? ऐसा इंसान जो हमेशा डरता रहेगा, जिसके अंदर हमेशा फियर ऑफ फेलियर होगा, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। एंड दिस इज द फिफ्थ रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। What is the sixth reason why people fail in life? Lack of efforts. Efforts करने के लिए हम ready नहीं होते, hard work करने के लिए हम ready नहीं होते, अंदर से dedication नहीं आती किसी भी काम को करने की। तो जब आप efforts ही नहीं करेंगे तो success कहाँ से मिलेगी? Success के लिए efforts करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And this is the sixth reason why people fail in life. Lack of efforts. The seventh and the last reason, but the most important why people fail in life. Lack of enthusiasm. ऐसा इंसान जिसके अंदर enthusiasm की कमी है, जो अपने dreams को देख के कभी मोटिवेट नहीं होता, उनको देख के इंस्पायर नहीं होता, अपने पर्पस को देख के एक्साइटेड फील नहीं करता, ऐसा इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी की कमी है, उसके अंदर एंथुसियाज्म की कमी है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए एंथुसियाज्म का होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द सेवंथ रीजन व्हाई पीपल फेल इन लाइफ, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। आप अपनी लाइफ में, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन चाहे शायद कुछ और हो सकती है, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, बट ये सात रीजन आपके हर जगह पे काम आने वाले हैं। ये सात रीजन वो है, आप चाहे कुछ भी बनना चाहे लाइफ में, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे, चाहे पेंटर बनना चाहे, चाहे डांसर बनना चाहे, या फिर आप अपनी लाइफ में छोटी सी सक्सेस, आप योगा भी स्टार्ट करना चाहे, दैट कैन बी अ सक्सेस फॉर समवन। बट अगर आपके अंदर ये सेवन क्वालिटीज हैं, ये सेवन हैबिट्स हैं, तो फिर आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। तो इनसे बाहर निकलना है, तभी लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल हो सकती है, तभी लाइफ के अंदर अबंडेंस आप क्रिएट कर सकते हो। सो कम आउट ऑफ दीज सेवन क्वालिटीज, कम आउट ऑफ दीज सेवन हैबिट्स, एंड
रिफॉर्म योर सेल्फ एंड चेंज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ एंड गेट अबेंडेंस इन योर लाइफ, गेट सक्सेस इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग कनेक्टेड विद सिनोनिम सॉल्यूशंस. थैंक यू सो मच.